खरगोन शहर के कपास मंडी में सफेद सोने की खरीदी गुरुवार से शुरू की गई, जिसके शुरुआती दौर में कपास का भाव 6351 रुपए खुला, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। हम आपको बता दें कि पहले दिन कपास की बम्पर आवक देखी गई, जिसमें किसानों ने आने वाले समय में आज के भावों को स्थिर रखने की मांग करके बताया कि कम बारिश से फसलें खराब हुई है और किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। वहीं व्यापारियों ने भी कपास खरीदी करके आगामी समय में अच्छे दाम मिलने की आशंका जताई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इक्यासी 6351 क्या कहना चाहेंगे? आज कपास मंडी में मुहूर्त हुआ, भाव 6351 खुले, क्या कहना किसानों, क्या उम्मीद है? सर, हमारी तो उम्मीद ये यही है कि व्यापारी लोग अच्छे भाव दे, किसान क्योंकि मर रहा है, क्योंकि कोरोना में भी खत्म हो गया, पानी प्रगति साथ नहीं दे रही है, गर गया, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी जो कपास है, कपास सब खीर गए, जब पांडे भी खीर गए, सब टोटल ख़त्म हो गई। ये दीपावली तक कपास हमारा जो है पूरी फसल ख़त्म हो जाएगी, दीपावली का दिया नहीं देखेगी कपास हमारा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ बस। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लग रहा है, जैसे व्यापारी कह रहे हैं कि भाव अच्छे मिलेंगे? हाँ, व्यापारी लोग बोल रहे हैं, सब भाई लोग का यही उम्मीद हम रखना चाहते हैं कि व्यापारी लोग जो हमारे को आश्वासन दे रहे, यही आगे का भी भाव यही रखे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। किसान लोग मर रहे हैं ना, खत्म हो गए किसान। मेरे नाम बलीराम गंधारे, मुल्तान। अभी जो मुहूर्त है ये सामान्यतः अनंत चौदस के आसपास होता है, और इस वर्ष जो है पानी पिछली बार एक महीना जो है नहीं आया, और अभी पानी के मौसम लगते हैं, इसलिए सभी जीन वालों ने भाई तिरपाल शेड वगैरह सब व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन फिर भी आज की आवक को देखते हुए यदि इतनी आवक रहती है तो जिनिंग फैक्ट्रियों में जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ेगी। इसलिए मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि वे माल सुखाकर अगर लाएंगे तो भाव भी पूरे मिलेंगे और व्यापारियों को भी सुविधा होगी। अभी मुहूर्त में किस भाव में खरीदा? ये पहली गाड़ी जो है वो 6351 रुपए में बिकी है, और भाव जो सामान्यतः हैं वो 4000 से 6000 के बीच में रहने की उम्मीद है। प्रशासन चाहता जरूर है, लेकिन इसमें जो है केंद्र और राज्य इस प्रकार से दो के एक्ट काम आते हैं, और यदि दोनों के एक्ट इस हिसाब से हो जाएं कि किसानों को नगद भुगतान किया जाए तो व्यापारी देने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।